दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मेरे गांव में बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो बारिश में मैगी खाते हैं। आज मैंने मैगी बना भी ली और बारिश भी रुक गई। भाई ये क्या सीन हो गया मेरे साथ, तू डरती क्यों नहीं है मुझसे? डर डर गई। हमने इस बार जहाँ पे दी है दान की पलेरी, लोगों की देखो कितनी बड़ी बड़ी दान की पलेरी है और हमारी देखो। और फिलहाल गाइस अभी आपका भाई जा रहा है शराब के दाम खाने के लिए। हेलो गाइस, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का हमारा जे वाला ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मेरे गांव में बारिश हो रही थी, अभी बारिश को रुके हुए कोई 5 मिनट भी नहीं हुए है और ये देख सकते हो आप लोग भाई धूप लग गई, इतनी जल्दी धूप लग गई क्या बताऊं। अभी जैसे बारिश लगी ना तो मैंने सोचा कि चलो बारिश में मैगी खाते हैं। आज मैंने मैगी बना भी ली और बारिश भी रुक गई। भाई ये क्या सीन हो गया मेरे साथ, चलो अभी इस वाले मौसम में ही मैगी खा लेते हैं, मजा आएगा। जय श्री राम। मजा आ गया। चलो दोस्तों अभी मैं आप सभी से मैगी खाने के बाद मिलता हूँ, ठीक। तब तक आप लोग वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। Few moments later. Okay, तो गाइस अभी मैंने मैगी खा ली है, मैगी खा के मजा आ गया यार। A few minutes later. तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हो गई थी, अभी दोबारा से बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हो आप लोग इस टाइम जहाँ पे कितनी ज्यादा बारिश हो गई, कुदरत के रंग देखो भाई। अभी थोड़ी देर पहले धूप लगी थी और अभी धूप चली गई और दोबारा से बारिश आ गई। अभी मैंने जैसे ही बोला ना धूप चली गई भाई, वैसे ही दोबारा से धूप आ गई। पहाड़ों में इस टाइम ऐसा ही मौसम होता है भाई, लोगों मजा आ रहा है बारिश में। आ हा A few moments later. पहाड़ों में ना बारिश में भी काम करना पड़ता है भाई, काम तो कभी नहीं बंद होते हैं, चाहे बारिश पड़े चाहे कुछ हो। देखो अभी कितनी अच्छी धूप लग गई भाई, ये कैसे रंग है कुदरत के। अभी कुछ मिनट पहले बारिश हो रही थी और बारिश रुकने के बाद दोबारा से धूप लग गई है, क्या पता तीसरी बार बारिश आ जाए। देखते हैं आती है बारिश या फिर नहीं। जहाँ पे देखो एक बिल्ली है। हेलो, ये जो बिल्ली है ना ये किसी से नहीं डरती है, ये देखो अभी मेरे साथ खेलने लग गई। ओहो, तू डरती क्यों नहीं है मुझसे? डर डर गई। ओहो, बिल्ली भाग गई। अभी मैं इसको डराता हूँ, देखना कहाँ से जी अभी ऊपर चढ़ेगी। चल हर, वो देखो कहाँ से ऊपर चले गई कितनी जल्दी। दोस्तों भैया गए हैं जंगल में पशुओं को चराने के लिए, तो अभी घर पे मैं अकेले ही हूँ। आज मम्मी जी भी नहीं है घर पे, तो भी घर पे मैं क्या काम करूँगा ना, गोबर भरूंगा। तो भी भरते हैं गोबर, तो अभी मैं अपनी गौशाला में आ गया हूँ जहाँ पे भरूंगा अभी मैं गोबर। उसके बाद फिर मैं अपने हाथ साफ करूँगा, बस फिर मेरा हो गया काम। इतना सही काम है, काम करने में कौन सी शर्म। A few inches later. Okay guys, अभी मैंने गोबर भर दिया और गोबर भरने के बाद मैंने अपने हाथ भी कर दिए साफ। तो भी मुझे एक ही काम बचता है, जो भी मैंने गोबर भरा है ना उसे फेंक के आता हूँ मैं खेत में। देखो अभी मैंने गोबर भरा तो मम्मी जी का आधा काम तो खत्म हो गया। अभी मम्मी जी को ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रात के लिए खाना बनाना है। खाना यार, खाना क्यों बनाना है, आज तो दाम है, आज श्राद्ध की दाम है, तो श्राद्ध की दाम खाने के लिए जाएंगे हम शाम को। अभी तो शाम के 3:30 हुए है, तो थोड़ी देर बाद जाएंगे हम। बाकी अभी उठाते हैं गोबर को और निकलते हैं खेत में। ओके गाइस, अभी मैंने गोबर उठा लिया और गोबर उठा के अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेत में। अभी मैं कौन सी वाले खेत में जा रहा हूँ ना, जहाँ नीचे जा रहा हूँ उस वाली साइड भी है हमारे खेत, बट मैं इस वाली साइड जा रहा हूँ। चलो चलते हैं। देखो सर पे मैं ऐसे भी गोबर रख सकता हूँ, ये देखो दोनों हाथ मैंने छोड़े हैं, मैं अपने सर पे कुछ भी चीज़ें रख सकता हूँ। देखो मेरा बैलेंस है, ऐसे ऐसे हो गया, ओ नहीं है ये वाला मेरा टूटा फूटा बैलेंस है।
तो भी मैंने अपने खेत में आके जहाँ पे गोबर फेंक दिया है तो भी निकलती है घर के लिए। दोस्तों ये जो नीचे आपको खेत दिखाई दे रहा है ये है लब्बू का खेत, और इस वाले खेत में इस बार उन्होंने धान की पलेरी दी है, तो देख सकते हो इस टाइम धान कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अगर एक भी खतरनाक वाली बारिश होगी ना, मतलब कि पूरे खेतों में पानी हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन हमारे पूरे गांव वाले धान की रोपाई करने लग जाएंगे। देखो ऑलमोस्ट धान तो हो गई है, पर इस बार हमारे धान की पलेरी नहीं यार उगी, आधी उगी है आधी नहीं। जल्दी से उग जाए ना हमारी पलेरी भी तो ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो बारिश हुई ना वो तो थोड़ी कम बारिश हुई, अगर आज सुबह से लेके शाम तक बारिश होती ना तो तभी बनता काम रुपाई करने वाला। भाई अभी तो खेतों में पानी भी नहीं है, देख सकते हो पूरे खेत सूखे पड़े हैं। मुझे लग रहा है कि कल परसों तक हो सकती है खतरनाक वाली बारिश। गाइस हमने इस बार जहाँ पे दी है धान की पलेरी, और देख सकते हो कितनी कम उगी है इस बार हमारी धान की पलेरी। लोगों की देखो कितनी बड़ी बड़ी धान की पलेरी है, और हमारी देखो। सो हाँ जी गाइस अभी शाम के बज रही है 6, और फिलहाल गाइस अभी आपका भाई जा रहा है शराब की दाम खाने के लिए, तो अभी मैं घर से रेडी होके निकल चुका हूँ शराब की दाम खाने के लिए। तो अभी चलती है जल्दी जल्दी से, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। यार इस टाइम मेरे साथ में कोई भी नहीं है, तो अभी मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है दाम खाने के लिए। वैसे हमारे गांव के कुछ लोग गए हैं दाम खाने के लिए, भाई वो मेरे से पहले चले गए तो मैं पीछे अकेले रह गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ। मिलता हूँ मैं आप सभी से सीधा सिमणी में जाके। सो हाँ जी गाइस अभी मैं सिमणी गांव में पहुंच गया हूँ, और अभी मैंने कहाँ पे जाना है ना शराब की दाम खाने के लिए, वो जो सामने घर आपको दिखाई दे रहे हैं ना जहाँ पे जाऊँगा अभी मैं शराब की दाम खाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अभी मुझे रास्ता कवर करना है। देखो कितना लंबा रास्ता है, ऐसे ऐसे जाना है। चलती है जल्दी से, ऐसे दौड़ते हुए मैं घर से आ रहा हूँ। फाइनली गाइस मैं शराब की दाम में पहुंच गया हूं, और जहाँ पे अभी मेरे साथ में इतने सारे लोग बैठे हैं, ये सभी भाई लोग हैं। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, मजा आ रहा है दाम में? हाल ही है आपने? ठीक है करो स्टार्ट, बताओ कैसा बने? बहुत बढ़िया। ठीक है, जहाँ पे मेरे साथ में अशोक भैया भी है, कैसा लगा? ठीक है, खाती है दोस्तों खाना, और उसके बाद फिर निकलती है घर पे। दोस्तों अभी आपके भाई ने खाना खा लिया है, तो अभी मेरे साथ में मेरे गांव के लड़के भी है, और ठंड भाई ठीक, आप मोहल्ले के हो? गांव के क्यों नहीं हो? घर दूर है ना। अच्छा, और मनु हेलो, क्या हाल है? बढ़िया, आप बताओ? हम भी बढ़िया। बढ़िया चाहिए फिर, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए तू दा? हमको वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए? टाटा बाय बाय। तो दोस्तों अभी हम लोग जे वाली चढ़ाई चढ़ेंगे वहाँ ऊपर तक, वो रहा हमारा गांव। भाई बड़ी ज्यादा चढ़ाई चढ़ना पड़ेगी अभी हमें, तो चलती है जल्दी जल्दी घर पे। 2000 years later. तो दोस्तों भी मैं शराब की दाम खा के वापिस अपने घर पे पहुंच गया हूँ, तो भी मैं अपने कपड़े खोलूंगा और उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगा। तो आज का हमारा जो छोटा सा ब्लॉग, अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री राम, जय माता दी, बाय बाय।